प्रदेश के बहराइच में नोडल अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के वितरित किए गए प्रमाण पत्र। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। सरकार के द्वारा कोई भी योजना जाति धर्म के हिसाब से नहीं की जाएगी लागू। विकास खंड विशेष रंगगंज के प्राथमिक विद्यालय बड़ा निजाम के परिसर में गुरुवार को नोडल अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम हेतु नामित नोडल अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बहराइच रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। भाजपा सरकार के द्वारा कोई भी योजना जाति धर्म के हिसाब से लागू नहीं की गई, हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिले, इस संकल्प के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा काम किया जा रहा है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड व प्रधानमंत्री आवास के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा गोद भराई एवं अन्य प्राशन भी कराया गया। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रसाद मंडल समेत कई लाभार्थी व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता लेती हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय भारत।